कारवा असल में स्वागत है आप सभी का। हर्ष बब्बर है मेरा नाम। लेकिन एक न्यू वीडियो, तो आज की वीडियो में हम ट्विटर ऐप 4 के बारे में बात करेंगे और इसके इंडिया में लॉन्च डेट, इसके प्राइसिंग और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और आप मुझे बताएगा कि आपको लगता है कि ट्विटर ऐप 4 एक अच्छी गाड़ी है और क्या आपको लगता है कि टोयोटा को इसे इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। तो इस वीडियो बन रहे इन सारी बातों के बारे में जानने के लिए तो आप कारवासल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी इंटरनेशनल और नेशनल कार न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। तो जो टोयोटा है वो एक जापानीज कार मेक कंपनी और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार मेक कंपनी है और वो अपनी गाड़ियाँ पूरी दुनिया में बेचती है। उनकी गाड़ियाँ काफ़ी फेमस है, काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है और इसलिए पूरी दुनिया में उनकी गाड़ियाँ पसंद की जाती है। और इंडिया में भी उनकी कई सारी गाड़ियाँ बिकती है, जैसे कि लैंड क्रूजर, प्राडो, टोयोटा फॉर्चुनर, टोयोटा इनोवा, उसके बाद करोला ऑल्टेस, कैमरी, ये सारी गाड़ियाँ बिकती है और इंडिया में काफ़ी अच्छा भी इनका सेल्स आउटपुट है। और हो सकता है कि टोयोटा अपनी एक नई गाड़ी इंडिया में लॉन्च करे जिसका नाम है टोयोटा रैव 4। तो जैसे कि अगर आपको पता ही होगा, इंडिया में जो मिड साइज एसयूवी वाला मार्केट है काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप ह्यूंडई क्रेटा देखें, अगर आप टाटा हैरियर देखें, अगर आप जीप कंपस देखें, तो इनके काफ़ी अच्छे सेल्स आउटपुट आ रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि टोयोटा भी अपनी कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही सालों में एक अपनी मिड साइज एसयूवी इंडिया में लॉन्च कर पाए, ताकि वो इस वाले सेगमेंट में भी इंडिया में कम्पीट कर पाए। और अगर उन्हें इस वाले सेगमेंट में इंडिया में कोई गाड़ी लॉन्च करनी है तो बेस्ट गाड़ी जो है मेरे हिसाब से वो है टोयोटा रैव 4, क्योंकि एक 5 सीटर मिड साइज एसयूवी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आती है, काफ़ी अच्छा भी बिकती है, इसके सेल्स आउटपुट भी अच्छे है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं इसमें आपको। तो इसलिए हो सकता है कि अगर टोयोटा इसे इंडिया में लॉन्च करे तो काफ़ी अच्छे से बिक सकती है ये। तो वैसे तो टोयोटा का एक एग्रीमेंट हुआ है मारुति या फिर सुजुकी के साथ, जो कि मिल के इंडिया के लिए प्लेटफॉर्म पर गाड़ियाँ बनाएंगे, जो कि शेयर प्लेटफॉर्म पर गाड़ियाँ बनाएंगे और टेक्नोलॉजी, इंजन, ट्रांसमिशन शेयर करेंगे इंडियन मार्केट के लिए, ताकि जो R&D कॉस्ट है कम हो जाए दोनों कंपनीज की और दोनों कंपनी गाड़ियां बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन अगर इंडिया में टोयोटा कोई भी गाड़ी लॉन्च करेंगे मिड साइज एसयूवी वाले सेगमेंट में, तो काफी कुछ वो RAV4 जैसी ही होगी और हो सकता है कि RAV4 को इंडिया में लॉन्च करे। तो इसलिए इस वीडियो में आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, टोयोटा RAV4 एक मिड साइज एसयूवी और इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करती है जीप कंपस के साथ, या फिर अगर आप फोर्ड की एस्केप देखें या फिर अगर आप होंडा की HR-V देखें। अगर आप 2019 वाले टोयोटा रैव 4 को देखें तो उसकी जो लुक्स है काफ़ी कुछ टोयोटा टाकोमा से भी रिजेंबल करती है, जो कि टोयोटा का एक 4 सीटर एक ट्रक है या फिर उनका स्मॉल साइज ट्रक है या अर्बन ट्रक है। तो जो RAV4 है इंटरनेशनल मार्केट में 5 वेरिएंट्स के साथ आती है, जो कि है LE, XLE, XLE प्रीमियम, एडवेंचर और लिमिटेड। जो एडवेंचर है वो एक ऑफ रोडर वाला जो वेरिएंट है और जो लिमिटेड है वो एक हाई स्केल वाला या फिर मोर अच्छी वाली ट्रिम वाला वेरिएंट है। और इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसिंग है वो है $27,000 से लेकर $34,000 के बीच। लेकिन इंडिया में तो इसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी, क्योंकि टोयोटा अगर इसे इंडिया में लॉन्च करेंगे या फिर इंडिया में लोकली प्रोड्यूस करेंगे तो वैसे ही इसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी। और हो सकता है कोई कोई फीचर्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं इस गाड़ी में, वो टोयोटा इंडिया में ऑफर ना करे और उससे भी इसकी जो प्राइस है इंडिया में उसमें रिडक्शन हो जाएगी। तो अगर आप इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें कई सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। और अगर आप इंजन के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इसमें एक ही इंजन मिलता है, जो कि 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 203 हॉर्स पावर मिलती है। और डीजल वाला वेरियंट तो आता नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है तो हो सकता है इसे फीएट का असले ग्रुप का या कोई और इंजन मिलता है, जो कि 2.0 लीटर का डीजल इंजन है, जिसमें आपको अराउंड 170 हॉर्स पावर मिल जाएगी और 400 या 350 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। तो इंडिया में तो ये गाड़ी अगर लॉन्च होगी डीजल वाली वेरिएंट के साथ, ऑफ कोर्स लॉन्च होगी, क्योंकि डीजल की गाड़ियों की इंडिया में काफ़ी अच्छी डिमांड है। और बाकी इसमें हाइब्रिड वाला वेरिएंट भी आता है। और अगर आप इस गाड़ी की ट्रांसमिशन को देखें तो वो है 8 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और अगर डीजल वाली वेरियंट के साथ आएगी तो शायद 6 स्पीड की इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको मिल जाए। बाकी अगर आप इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं, जो कि डायमंड कट है, और ऑफ रोड व्हील्स भी मिलते हैं, लेकिन इंडिया में तो 17 या फिर 18 इंच के व्हील्स ही आएंगे, ताकि इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाए। फिर इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है इंटीरियर में, और जो सीट्स है वो 8-way power एडजस्टेबल है, और ड्राइवर वाली भी और पैसेंजर वाली भी। बाकी इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है और LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स दोनों मिलती है। और जो इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो है इसका जो डिपार्चर एंगल है और जो अपर्चर एंगल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऊंचा है, तो इसलिए इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है ये गाड़ी। और इसके जो बम्पर्स है उस पर ज़्यादा डेंट आपको नहीं मिलेंगे। बाकी इसमें आपको 7 या फिर 8 इंच का 14 इंच के लिए मिलेगा, और JBL का ऑडियो सिस्टम भी मिलता है इसमें, लेकिन वो शायद इंडिया में ना आए। बाकी ये 5 सीटर कन्फिगरेशन में ही आती है और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, अराउंड इसकी जो लेंथ है वो है 4.5 मीटर्स के अराउंड, तो इसकी साइजिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये डायरेक्टली इंडिया में कम्पीट कर सकती है टाटा हैरियर के साथ। बाकी इसमें जो अगर आप एवरेज देखें किलोमीटर पर लीटर की, वो जो इंटरनेशनल मार्केट में देती है वो है 12 किलोमीटर पर लीटर की, और इंडिया में तो हो सकता है कि इसका जो इंजन है वो डी ट्यून करके इसकी एवरेज बढ़ा दी जाए।
और इंडिया में तो अगर इसमें डीजल वाले वेरियंट पे आएगा तो इसमें वैसे भी एवरेज और बढ़ जाएगी। बाकी अगर आप इसकी जो इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो है 15 से 20 या फिर 22 लाख के बीच में एक शुरू इंडिया, और टोयोटा मोस्ट प्रॉब्ली इससे ऊपर लॉन्च करेंगे नहीं, क्योंकि इससे ऊपर तो फिर क्राइस्टा भी आपको मिल जाती है या फिर आपको फॉर्चुनर भी मिल जाती है, तो लोग वही वाली गाड़ी ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। तो बाकी आप मुझे बताएगा कि आपको लगता है कि टोयोटा रैव 4 एक अच्छी गाड़ी है इंडियन मार्केट के लिए, और क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।